जी टेक की एक और नई अनबॉक्सिंग में। तो आज के भी अनबॉक्सिंग लेकर आए हैं सैमसंग का प्रोडक्ट, जो कि कंटिन्यू हमारी पिछले कई वीडियो में सिर्फ सैमसंग का ही बात चल रही है। तो आज हम लेकर आ गए आपके लिए सैमसंग वॉच 4 क्लासिक की अनबॉक्सिंग, जिसको आज हम करेंगे अनबॉक्स और देखेंगे इसके फीचर्स क्या क्या है, इसमें क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो ज्यादा देरी ना करते इसको शुरू, और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए, साथ में बेल आइकन, साथ में लाइक कमेंट एंड शेयर वो भी करना ना भूले। तो जल्दी से आ जाइए और देख लीजिए इसकी अनबॉक्सिंग। तो गाइस, ये रहा सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 क्लासिक का बॉक्स, जिसमें वॉच की इमेज, नीचे सैमसंग, दूसरी साइड पे लिखा है सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 क्लासिक, इधर वो एक QR कोड है, बार कोड, नीचे की साइड इसकी जो है प्राइजेस वगैरह दे रखी है, जो कि आप लोगों को मैं बता दूं प्राइस है 42,999 रुपये, 43,000 के आसपास का ये है, लेकिन मार्केट प्राइस जो है इससे कम है, और आप लोग ऑफलाइन स्टोर में भी जाएंगे तो वो भी आप लोगों को मार्केट प्राइस इसके प्राइस से कम ही मिलेगा। साथ में इसके साथ हमें क्या क्या चीजें मिलती है वो सब है। इसकी जो डायमेंशन दे रखी है वो है 4.55 सेंटीमीटर, 4.855 सेंटीमीटर इंटू 1.10 सेंटीमीटर, फरवरी 2023 का प्रोडक्ट है, और मेड इन कहाँ का है ये, ये भी मेड इन वियतनाम का ही है, ये भी मेड इन इंडिया नहीं है, सिर्फ एक फोन को छोड़ के बाकी सारी चीजें मेड इन वियतनाम है। पीछे इसकी जो है स्पेसिफिकेशन, तो आप लोग इसमें देख सकते हैं LTE, ब्लूटूथ, वाईफाई और GPS है। LTE का मतलब है आप लोग अपने जो भी आपका सिम प्रोवाइडर है वहां पर आप जाकर इसमें ई सिम इंस्टॉल करा सकते हैं, जो कि ई सिम विदाउट सिम वाला एक सिस्टम है, तो आप इसमें वो यूज कर सकते हैं, इसमें स्पीकर वगैरह सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। तो ओपन कर लेते हैं हम, ओपन करते ही आप लोगों के सामने है, वेट, तो जैसे ओपन करते हैं तो ओपन करते हैं हमारा मेन प्रोडक्ट ये रहा, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके साथ हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल जाती है। तो इसके साथ हमें देखने को मिल जाती है कि यूजर मैनुअल बुक, जो कि वारंटी कार्ड भी है इसमें एक, और एक आपका यूजर मैनुअल बुक भी है। वारंटी आप लोगों को कैसे कैसे मिलेगी, क्या क्या है, कितनी भाषाओं में है, वो सब आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा। देन उसके बाद इस साइड पे कुछ नहीं है, दूसरी साइड पे देख लेते हैं, दूसरी साइड पे आप लोगों को मिलती है इसमें एक चार्जिंग केबल, जो कि मैग्नेटिक वाली चार्जिंग केबल, देख सकते हैं आप लोग ब्लैक कलर की है, क्योंकि हमारी वॉच भी जो है ब्लैक कलर की है। अगर आपकी वॉच व्हाइट कलर की होगी तो मे भी शायद आप लोगों को ये चार्जर भी व्हाइट कलर का ही मिलेगा। तो मैग्नेटिक जो है इसका काफी अच्छा है, काफी दूर से आप इसको सपोर्ट मिल सकता है। तो इसको कर लेते हैं हम साइड में दोनों चीजों को, आते हैं हमारी वॉच पर, साथ में कुछ नहीं मिलता है। तो हम लोग सबसे पहले तो वॉच देख लेते हैं, तो वॉच जो है काफी अच्छी है, एकदम मैट लुक में, मैट ब्लैक कलर है, साथ में डायलर है काफी बड़ा सा, इसके जो ऊपर का ये है रोलर, ये भी बहुत अच्छा यूज होता है। पीछे आप लोगों को इसमें हार्ट सेंसर वगैरह सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इसकी जो क्वालिटी है, स्ट्रैप की क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी है, और काफी प्रीमियम क्वालिटी इसमें सैमसंग वालों ने दे रखी है, क्योंकि इतनी महंगी घड़ी देंगे तो क्वालिटी तो उन्हें देनी पड़ेगी। तो जल्दी से हम लोग कर लेते हैं इसको स्टार्ट। तो स्टार्ट करते ही सबसे पहले आएगा सैमसंग लिखा हुआ, देन फिर उसके बाद इसका यूज हम बताएंगे कि इसका क्या यूज होता है। जो रोलर है ये घूमता है, ये कोई शोकेस के लिए नहीं लगा हुआ, इसका भी बहुत यूज होता है। साथ में इसमें डायलर भी दे रखा है, जो कि 60, 5, 10, 15, 20 जो अपना नॉर्मल जो घड़ी का टाइम होता है वो सब दे रखा है। सैमसंग गैलेक्सी सिक्योर्ड बाय नॉक्स, ठीक है जी। तो के जो है साइलेंट है तो इसलिए होता है नॉक्स। स्टार्ट, स्टार्टिंग हो रहा है, सेटअप हो रहा है अपने आप ही, क्योंकि हमने इसको पहले सेटअप करके रख रखा है तो इसमें हमें टाइम नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ओपन करते हुए डायलर आ गया, देन यहाँ से भी काफी सारे ऑप्शन आते हैं। ये देखिए हम इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शंस आने स्टार्ट हो गए। अगर आपको इसको टच नहीं करना है और इससे रोटेट करनी है अपनी स्क्रीन तो वो भी हो सकती है, और अगर इसको टच करना है तो टच भी आप लोग का ही काम कर सकता है। साथ में इसको नीचे से ऊपर करेंगे अगर स्लाइड, तो यहाँ पे आप लोगों के जो सॉफ्टवेयर वगैरह है, गूगल प्ले, आप लोगों की मैसेजिंग जो भी जो फोन में और सारी चीजें होती है वो सारी चीजें आप लोग इसमें कर सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं,
क्योंकि इसमें आप लोग देखेंगे स्पीकर भी एक दे रखा है जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूं। बाकी जो है जब फोन से कनेक्ट हो गई तो फोन से कनेक्ट होने के बाद इसमें जो सॉफ्टवेयर है वो उसमें और क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने मिलेगी वो जब इंस्टॉल होगा सॉफ्टवेयर तभी हम बता पाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे अगर तो यहाँ पे आप लोगों को स्पीकर देखने को मिलेंगे जो कि नॉर्मल वॉइस का स्पीकर होगा, कोई इतना लाउड नहीं होगा। अगर जैसे आप कहीं पे बाइक या कुछ भी गाड़ी चला रहे हो और आप फोन पे बात नहीं कर सकते तो आप घड़ी में इसको ओके करके और घड़ी से आप बात कर सकते हैं। डायलर आप देख सकते हैं, क्वालिटी आप देख सकते हैं, काफी अच्छी क्वालिटी है सैमसंग की, बट वही कॉस्ट सब के लिए कॉस्ट नहीं बन सकती है, सब इसको नहीं ले सकते। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।